हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये कुशन कवर रेडी करेंगे। ये हमारा डिज़ाइनर कुशन कवर बना है, बनाना भी एकदम इजी है। कुशन कवर बनाना शुरू करते हैं। तो कुशन कवर बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा कॉटन का है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसका मेजरमेंट हमारा यहाँ से 16 इंच है और इस साइड से भी हमारा 16 इंच है। ये हमारा 15x15 का कुशन बनेगा। तो 1 इंच हमने स्टिचिंग के लिए रखा है। इसी साइज का मैंने ये एक दूसरे कलर का पीस काटा है। ये हमारा यही साइज है पूरा। ये दोनों पीस मैंने बराबर रख लिए हैं कपड़े के एकदम। अब हम ये कॉर्नर और ये कॉर्नर पे लाइन लगाएंगे। ये लाइन मैंने लगा दी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे इसी तरह से जैसे हमने ये निशान लगाया है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमारे ये दो कुशन बन सकते हैं, तो एक को मैं इधर रख रही हूँ और ये कपड़ा हम ऐसे कर लेंगे। ये हमारा दोनों अलग अलग आ जाएगा। अब इस कपड़े को फिर से हम ऐसे रख लेंगे। ये कपड़े को मैंने बराबर रख लेना है हमें, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैंने लगा दी है। इस कपड़े को हम ऐसे खोल लेंगे और यहाँ पे आयरन करके सिलाई को बिठा लेंगे। ये मैंने आयरन कर दी है। अब थोड़ा सा हमारा कपड़ा इधर से ऐसे हो गया है कॉर्नर से, ये हम कट करके बराबर कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस बन गया है। ये अब हम बैक पीस काटेंगे। तो बैक पीस का ये मैंने पीस काटा हुआ है, इसको हम ऐसे बराबर रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस ऐसे मैंने सेट कर दिया है। ये हम रेड वाला बना रहे हैं बैक के लिए, तो इतना हमारा ये एक्स्ट्रा है। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट 7 इंचेस है। अब हम ये फ्रंट का साइड उठा लेंगे और इस पीस को हम ऐसे डबल करेंगे। ये हमारा डबल हो गया है। यहाँ से हम कट कर लेंगे इस पार्ट को। ये हमारे दो पीस हो गए हैं। इसके बाद हम एक पीस ऐसे उठाएंगे और थोड़ा सा कपड़ा ऐसे मोड़ेंगे। उसके बाद हम दूसरा और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सारे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दूसरे पीस पे भी। अब हमारी ये दोनों सिलाइयाँ लगी हैं, दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम ये फ्रंट पीस लेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये हमारा जो सीधी साइड है इस तरह से आएगी, उल्टा साइड हमारे नीचे जाएगी। अब हमारा ये पीस है, ये जो सिलाई वाला प्लेस है हमारा इधर आएगा और कॉर्नर से कॉर्नर मिला के हम ऐसे सेट कर लेंगे। ये हमारा एक पीस सेट हो गया है। अब दूसरा पीस हम ऐसे लगाएंगे। ये हमारा उल्टा साइड इधर आएगी ऊपर को, इस तरह से कॉर्नर मिला के इस कपड़े के ऊपर कपड़ा आएगा हमारा। ये कॉर्नर मैंने एकदम से मिला देने हैं हमें इस तरह से, देखिए। और ये हमारा कपड़े के ऊपर कपड़ा आएगा, ये इतना प्लेस। ये कपड़ा हमारा सेट हो गया है इस तरह से। अब हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी हम पिन लगाएंगे। ये पिन लगा दी है मैंने दोनों साइड में। पिन लगाने से क्या, हमारा कपड़ा जरा भी हिलेगा नहीं। अब हम यहाँ से लेके पूरे चारों ओर सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है चारों ओर से। अब हम अपने कुशन को सीधा कर लेंगे। अब हमारा कुशन सीधा हो गया है। अब हमारा ये लाइन है, इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो डिजाइनर कुशन बनाना है हमें। ये मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए हैं, इनसे हम डेकोरेट करेंगे। तो ये फ्लावर बनाना मैं बताती हूँ अभी। ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, इसी कलर का लेंगे हम, मल्टी कलर का बनाएंगे। तो ऐसे हम कोई प्लेट ले लेंगे और इसको ऐसे रख के प्लेट को ऐसे राउंड बना लेंगे। ये हमारा राउंड बन गया है। इसी तरह से इस सर्कल को हम काट लेंगे। ये सर्कल काट लिया है मैंने। ये हमारा मेजरमेंट में 5.5 इंचेस है। बड़ा या छोटा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये हमारा सर्कल है। यहाँ पे हम ये नीडल ली है मैंने, इसमें हम डबल धागा डाल लेंगे और नोट लगा लेंगे यहाँ पे। अब इस कपड़े का कॉर्नर है ये हमारा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। ऐसे छोटे छोटे स्टिच लेते जाना है इस तरह से।
कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और ऐसे हम स्टिचिंग करते जाएंगे हाथ से। ऐसे ही पूरे राउंड पे हम स्टिच करते हैं। अब ये स्टिचिंग मैंने कर दी है, पूरे राउंड पे हमारे हो गई है इस तरह से। अब इस धागे को हम ऐसे इस धागे को खींच देंगे इस तरह से, और इस कपड़े को हम सेंटर बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा जो राउंड आया है इस तरह से बनेगा हमारा। यहाँ पे एकदम टाइट कर लेंगे धागा। ये टाइट कर लिया है मैंने एकदम। अब यहाँ पे हम नोट लगा देंगे एक दो इस तरह से। अब ये सेंटर प्लेस हमारा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पे हम ऐसा कोई मोती लगा लेंगे इस तरह से। तो इस मोती को हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ये हमारा आ गया। अब हम इसको धागे को नीचे ले आएंगे इस तरह से, और फिर से हम दो तीन बार इस मोती को अच्छे से टांग लेंगे। ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है इस तरह से। हमारे ये बाकी फ्लावर रेडी हैं। अब हम अटैच करेंगे इनको। तो ये हम ऐसे सेट करेंगे, ये दूसरा कलर लगाएंगे, इसके बाद ये कलर आएगा हमारा। इस तरह हम सेट कर लेंगे। ये हमारे ऐसे सेट हो गए हैं। ऐसे ही हम इन्हें स्टिच करेंगे। इन फ्लावर को हम सिलाई करने से पहले भी सेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा ये अंदर से हाथ डाल के ऐसे सेट करेंगे। ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे हम ये फ्लावर रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। जैसे हम बटन अटैच करते हैं उसी तरह से हम अटैच करेंगे, लेकिन एकदम पक्का कर लेंगे जिससे कि ये हमारा खुले ना। ग्लू गन से भी हम चिपका सकते हैं। ये हमारा हो गया है, और पीछे जाके हम यहाँ पे दो तीन नोट लगा के यहाँ पे हम काट लेंगे धागे को। ये हमारा एक फ्लावर अटैच हो चुका है। दूसरा फ्लावर भी हम इसी तरह से आगे पूरे फ्लावर सेट करते हैं। ये फ्लावर मैंने अटैच कर दिए हैं। अब हमारा कुशन एकदम बनके रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा हमारा कुशन लग रहा है। तो ये हमारे फ्लावर 7 लगे हैं इधर। अगर ज़्यादा ही आप क्लोज रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इस कवर में हम कुशन डालेंगे। ये कुशन है, इसको मैं इसमें डालूंगी कवर को। कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। बैक साइड हमारी ऐसी आएगी। अब ये देखिए मेजरमेंट में हमारा 15x15 का कुशन बना है। तो कुशन हमारा बनके रेडी है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उस पे भी मैं अच्छे अच्छे पिक्स डालती रहती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।